साउथ कश्मीर के अश्मुकाम से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक शख्स ने आज सुबह वहां पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया, जिसमें से दो लोगों की मौत वाकया हुई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। काफी क्रिटिकल हालत बताई जा रही है उस शख्स की। चलिए रुक करते हैं साउथ कश्मीर का। साउथ कश्मीर से हमारे सीनियर साथी फिदा हुसैन हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। और फिदा, बताइएगा इस खबर के हवाले से अभी तक क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, जैसे कि आपने अपने आगाज में भी बता दिया कि एक जो बताया जाता है कि जिनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि जो है इसकी नहीं कर सकते कि क्या वो दिमागी तवाजुन उसका ठीक है या खराब है, लेकिन अभी खबर यही आ रही कि उनका दिमागी तवाजुन जो है वो खराब है। और उसने आज अलग सुबह जब लोग घरों से बाहर थे तो उन्होंने वहां पर उन पर हमला किया है, जिसमें से वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से दो की जो है मौत बताई जाती है। हालांकि हमें और इंतजार करना पड़ेगा इस हवाले से, लेकिन अश्मुकाम से यही खबर आ रही है कि वहां पर एक जिनका दिमागी तवाजुन जो है वो बिगड़ा हुआ है, जिसने उन पर हमला किया है, जिसमें से दो लोगों की मौत हुई है, जबकि और कुछ लोग जो है बताया जाता है कि वो जख्मी है, जिनका इलाज अभी अश्मुकाम में चल रहा है। अभी और इंतजार करना पड़ेगा इस हवाले से जब पुलिस के साथ हमारी बात होगी, लेकिन इस राय के हवाले से खबर आ रही है कि क्या उनका वाकई तौर पे दिमागी तवासुन वो खो चुके थे या वो ठीक है, ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बुरी खबर जो है ये बताएंगे कि अश्मुकाम पहलगाम से आ रही है, जहां पर बिल्कुल दो लोगों की मौत आज सुबह सुबह हुई, क्योंकि इस किस कदर उसने अटैक किया होगा, क्या कुछ यूज किया होगा, क्योंकि दो लोगों की मौत वाकई हुई है, कहीं आपने बताया घायल है और बाकी जो घायल है घायलों की स्थिति फिलहाल पता चल पाई है, क्योंकि काफी क्रिटिकल उनकी कंडीशन बताई जा रही है। देखिए किस चीज का उन्होंने सहारा लिया, कैसे उन पे हमला किया है, ये अभी क्योंकि जांच के बाद ही पता चलेगा और थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैं बता दूं उन लोगों को जो अभी अभी जेके न्यूज पॉइंट के साथ जुड़ गए हैं सुबह सुबह, क्योंकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त बहुत ज्यादा ठंड होती है, और लेकिन उस ठंड के बावजूद भी थोड़ी सी दूर जो है वो हम स्पॉट से है, जब स्पॉट पे पहुंचेंगे तो वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे और वहां के लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे इस हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से जो ये वाकया जो है जो पेश आया है इस मुकाम में, और उसके बाद कोशिश हमारी ये भी होगी कि हम पुलिस के साथ इस हवाले से बात करेंगे कि किन हालात में इन्होंने हमला किया है, क्या ये वाकई तौर पे दिमागी तवाजुन खो चुके थे या फिर वो ठीक थे, ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी और इंतजार करना पड़ेगा इस हवाले से। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा ज्वाइन करने के लिए। ग्राउंड से भी अपडेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को जब आप स्पॉट पर पहुंचेंगे। तो फिदा, जिस तरह से बताए थे पुलिस की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, और हालांकि कौन वो लोग हैं उनकी पहचान भी अभी नाम सामने नहीं आए हैं, पर आप देखिए कि उस शख्स ने किस कदर आज सुबह अर्ली मॉर्निंग बताया जा रहा है जब उन पर अटैक किया वहां पर रहने वाले लोगों पर, तो दो लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई और गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। इस हवाले से जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। देखते रहिए जेके न्यूज़ को।